पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता अजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहा। बमोरी में अजय सिंह ने कहा, ग्वालियर चंबल संभाग का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता आज अपने आप को वास्तव में स्वतंत्र महसूस कर रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कमलनाथ के साथ बमोरी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद से ग्वालियर चंबल संभाग का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता आज अपने आप को वास्तव में स्वतंत्र महसूस कर रहा है। वह एकाधिकारवाद से आजाद है। आजाद नहीं है तो केवल महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो अभी भी कहते फिर रहे हैं कि मैं तो सिंधिया के जूते उठाने लायक हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि वे जनता की सेवा करने के लिए विधायक बने थे या सिंधिया के जूते उठाने के लिए? शर्म आना चाहिए ऐसी गुलामी पर। उनके दादा सागर सिंह सिसोदिया, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, वे एक सच्चे कांग्रेसी थे। आज उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी कि पोता कहाँ भटक गया। 1970 के दशक में मैं यहाँ पर सिरसी के जंगलों में शिकार खेल चुका हूँ, रामपुर टैंक में बतख मार चुका हूं, लेकिन 7 बार का विधायक हूं। 1985 से विधायक था, 2 बार नेता प्रतिपक्ष था, लेकिन गुना जिले की सल्तनत में मुझे इजाजत नहीं थी सिंधिया लोगों की वजह से कि मैं यहां उपस्थित हो सकूं। मैं आ सकता था सिर्फ तो रावगढ़ में, वो भी कभी पारिवारिक कोई मसला होता था। आज हम सही में स्वतंत्र हैं। आज सही में ऐसे गद्दारों से छुट्टी मिली है जिन्होंने अपनी पपोती बांध सकी है कि गुना जिला हमारे मुट्ठी में है। अरे 3 तारीख को बमोरी की जनता बता देगी कि गुना जिले किसके मुट्ठी में है। यहां के जनता जनार्दन तय करेगी कि वो सिंधिया गद्दार के लिए हमारे विचार क्या है। मेरे पिताजी भी 3 बार मुख्यमंत्री थे और उनके साथ इसी क्षेत्र के विधायक सागर सिंह सिसोदिया जी थे, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आज वो जहां भी हों, सिसोदिया जी क्या सोच रहे होंगे, उनका लड़का कहां चला गया, कौन से रास्ते में भटक गया, पोता कहां भटक गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।